राइट गुड फैमिली, वेलकम माय चैनल। मेरा नाम कार्तिक विशाल और आप देख रहे हो कार्तिक कास्ट। हम तो सुबह के बज रहे हैं 3 और मैं निकल चुका हूँ दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। मैंने कर दिया था कैब और कैब से मतलब 1 घंटा भी नहीं लगता है और हम पहुँच जाएंगे एयरपोर्ट। और यहाँ एयरपोर्ट की चेक इन में भाई सबसे ज़्यादा मुश्किल तो होती है, मुझे ही पकड़ा जाता है कि इतने सारे कैमरा इक्विपमेंट, इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम, लगभग 5-5, 6-6 ट्रे। फिर हमने पी मस्त कॉफ़ी, नींद भगाई, क्योंकि भाई सीधे हमको अगले दिन पहुँच के जाना है काम पे। और यहाँ हमको मिल गई है टिकट और हम सीधे बैठ गए हैं बस से जा रहे हैं। गाइस बस से जा रहे हैं, झोल हो गया हमारे साथ। अब वॉक इन करते हुए हम पहुँच चुके हैं अपने प्लेन के पास, पर प्लेन तो थारा भाई ही चलाएगा। स्पाइसजेट वर्सेस इंडिगो चल रहा है, पर हमें जाना है स्पाइसजेट से। और बाहर एकदम नॉर्मल सा, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं था, ठीक है नॉर्मल। और हम ये केबिन में एंट्री करते हुए, और हमने ख़रीदा है भाई 500 रुपये दे के विंडो सीट, क्योंकि जो लद्दाख में दिखेगा ना व्यू वो अलग ही होगा। और ये फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है और ये हम बैठे हैं। बाकी क्या, बाकी सब बढ़िया है। और व्यू देखो गाइस, अभी तो सिर्फ आपको ये बादल दिख रहा है ना, पर कुछ ही मिनटों में ये देखो और हम पहुंच गए। मतलब अलग ही फेस पे एक्सप्रेशन देखो भाई। 40 मिनट 1 घंटे के अंदर में हम लद्दाख में कदम रख चुके थे, क्योंकि वैसे भी हमको फ़्लाइट सस्ती पड़ गई, 10,000 में हमारा आना जाना हो गया। बट लेकिन जो व्यू है ना, मैं तो आप सबको कहूँगा कि भाई अगर लद्दाख जा रहे हो तो विंडो टिकट लो। और ये प्लेन वाले ड्राइवर भैया कॉर्नर लेते हुए, यार मतलब ऐसा लद्दाख में कॉर्नर लेते हैं ना वो लैंडिंग के टाइम। और ये लैंड हो रही है भाई हमारी फ्लाइट। लैंड होने में जो थोड़ा सा डर लगता है ना, जब हिलती है भड़बड़ा, उन्होंने बोला जय श्री राम, जो होगा देखा जाएगा। गेस करो भाई हम कहाँ हैं। और हम यहाँ उतरे और सामने ही बोला गया कि भाई फोटोग्राफी नॉट अलाउड, फिर भी उनका चेहरा दिखाते हुए स्माइल करते। और भाई जो लोकेशन थी, चारों तरफ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़। मतलब साउंड तो आ नहीं रहा होगा, पर आप मेरे फेस में खुशी देख रहे होगे भाई, मज़ा ही आ गया। मतलब दिल्ली जैसे इतना यार ट्रैफिक वाली जगह, और यहाँ का आप देखो वेदर लुक, मतलब मज़ा आ गया। फिर यहाँ से हम फिर बस में बैठे और बस वाले भैया हमको एयरपोर्ट के बाहर छोड़ के गए कि जाओ भाई जी लो अपनी ज़िंदगी। तो भैया से भी थोड़ा मस्ती मजाक करते हुए क्या क्या सीन है, क्या होता है, थोड़ा बढ़िया वार्तालाप हुआ। फिर साथ में इनके निकल चुके हैं और आ गए हैं बाहर, और अब व्लॉग एंजॉय करो। Alright guys, तो भाई आ चुके हैं हम लद्दाख, the highest passing। भाई तो भैया से बात हुई है, यहाँ से अब हम आपको पूरा टिप बताएंगे क्या कैसा खर्चा होता है। तो यहाँ से ले सिटी हमें जाना है, वहाँ से हमें एक बाइक बुक करनी है, और ले सिटी यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर्स है। तो यहाँ पे नॉर्मल बस के भी चार्जेस हैं, बस का आप वेट करके जा सकते हो या फिर पर्सनल टैक्सी करके। तो लगभग 10 किलोमीटर के रेडियस में अगर आपको जाना है तो लगभग 500 रुपीज़ है उसका एक, अगर 10 किलोमीटर के आसपास ही है तो 500 रुपये आपका लगेगा। तो 550 में हमने बुक कर लिया है भैया के साथ, जा रहे हैं। बाकी देख सकते हो व्यू कितना खतरनाक है ना, तो लेट्स सी, काफ़ी मज़े आने वाले आज एडवेंचर्स पे। कैमरा सिनेमैटिक सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। बस अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। एक मस्त चीज़ आपको बताता हूँ, वो ये है कि यहाँ ऑलराइट, तो भैया के साथ हम बैठ चुके हैं। भैया आप अपना नाम बता दीजिए जरा। स्टैनजिन। ओके, तो यहाँ मुझे एक चीज समझ में आई कि यहाँ लगता है सिर्फ पोस्टपेड सिम चलती है। जी सर। तो यहाँ एक ही चीज है भाई, पोस्टपेड सिम चल रही है। अगर आप आ रहे हो लद्दाख तो आपको पोस्टपेड सिम है आपके पास तो नेटवर्क मिलेगा, नहीं तो यहाँ पे आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ से अभी हम जा रहे हैं ले सिटी। ले सिटी लगभग यहाँ से 7-8 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। साथ जा रहे हैं आप, भैया बोल रहे हैं कि बाइक्स मिल जाएगी, अभी सुबह भी खुल जाता है ना 11 बजे तक। आपका यहाँ कितना टाइम हो गया है? मतलब यहाँ आप गाइड के तरह, मतलब टैक्सी यहीं से प्रॉपर? यहीं से सर। अच्छा अच्छा, टैक्सी तो अभी बहुत हो गया सर, मतलब 10 साल से। 21 साल हो चुके हैं यार। लेकिन इतनी साफ सुथरी है, बुरा लगता होगा जब लोग आके गंदा करते होंगे। जी जी जी, है ना भाई, सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ भी भाई, मतलब अच्छा अभी दिन में तो सही है, रात में ठंड बढ़ जाती है। जी सर, जी सर। मतलब रात में ठंड नहीं है, भी ठीक है, मतलब वही 11-12 बजे के बाद अभी नॉर्मल है, अभी नॉर्मल है। जी जी जी, क्योंकि मैं तो दिल्ली से चढ़ा, कुछ कपड़े नहीं लाए। जी जी जी, चलो गाइस अभी चलते हैं, बाकी बाइक आइक का जो भी रहेगा आपको सारी चीज बताते हैं। सो गाइस अभी एक जगह रुक गए और यहाँ बाइक का लाइनअप है हिमालयन, तो जो जैसा प्राइस रेंज होगा अभी आपको बताता हूँ। अभी भैया क्या है, लद्दाख बाइक एंड रन एजेंसी, तो अगर आपको बाइक वगैरह चाहिए आप यहाँ के सीधे ले सकते हो रेंट पे।
तो जो सारी चीजें हैं मैं आपको प्राइस और डेट के हिसाब से सारी चीजें बता रहा हूँ। गाइस तो अब बाइक ले रहे हैं, आईडी सारी चीज सबमिट कर रहे हैं, और तब तक भैया जब तक नाम लिख रहे हैं तब तक अब बताइए हम कौन सी बाइक चूज करें। हमारे पास चार हिमालयन खड़ी हुई है और भाई प्रॉपर रेडी टू गो। अभी देखते हैं किलोमीटर्स क्या क्या हैं सबके और क्वालिटी के हिसाब से, और लास्ट पेट्रोल पंप लगभग 40 किलोमीटर में, और हमें जाना है माहे पास जो कि 160 किलोमीटर है। तो फ्यूल स्टेशन से फ्यूल फिलअप करा, फुल टैंक करवा के, और मैं सोच रहा हूँ कि बंजी कॉर्ड वगैरह लगवाते हैं, बंजी कॉर्ड लेते हैं। और ये है हमारे पास जेली कैन नहीं है, यही कैन है, तो इस जुगाड़ को करते हुए चलते हैं लेके। भाई मजा आ जाएगा, स्वाद आ जाएगा भाई। तो गाइज अभी आए हैं तो सर जी हमें बता रहे हैं, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का थोड़ा ज्यादा रहता है, हाँ ये बात भी है कि अगर बंदा एकदम से हाइप हाइप में घूम रहा है, तुरंत आया निकल रहा है, तो प्रॉब्लम हो सकती है, फिर भी देखते हैं चलते हैं। अभी कुछ कुछ भैया से भी मेडिसिन पूछ लेते हैं कि अगर सर दर्द ये सब हुआ तो क्या क्या लेके रख लें इनकेस, और आप क्या सुझाव देंगे, माहे पास करके वहीं रुकूं कि यहाँ वापस आ जाऊँ? माहे पास करके नहीं रुकूंगा, तो इससे भी ठंड है बिल्कुल। अच्छा अच्छा, फिर कोशिश करूंगा कि आ ही जाऊँ, अपना यहाँ स्टे भी है यहाँ पे। चलो ठीक है, यहाँ स्टे है, और हमने बाइक उठा लिया भाई हिमालयन, और कलर कैसा बता रहे हैं एकदम देखिए मस्त। भैया के यहाँ बाइक भी बहुत सही मिल रही है, मुझे सबसे कम किलोमीटर चली हुई है, सिर्फ कितने चली है 1900 किलोमीटर चली हुई है, और लग कैसे रही है। हमने तो सारे राइडिंग गियर्स किटअप लाए हैं, तो सारी चीज़ पहनते हैं और बंजी कॉर्ड से सारा चीज़ लगाते हैं, और मोटो व्लॉग के लिए भाई तैयार हो जाओ इन ले लद्दाख। सो गाइस बाइक का तो सब हो गया, अब बात आई परमिट की, तो परमिट के क्या चार्जेस हैं, कैसे परमिट को लेना है, तो वो भी अब चेक करते। और गाइस तो फाइनली लद्दाख का सपना पूरा होते हुए तो हमने उठा लिया भाई हिमालयन, जो कि एकदम मिंट कंडीशन में है भाई। हमने अपना जो लगेज था उसको भी पीछे कैरी कर लिया है, अपना हेलमेट गोप्रो तो सब ले ही आया है, फोन का भी जुगाड़ हो गया है, फोन का भी हमने होल्डर लगा दिया कि ताकि मैप से हम पहुंच जाए। हमें जाना है माहे पास जो कि है 160 किलोमीटर, बीच में जो भी ब्यूटी दिखेगी हम सारी चीज कैप्चर करेंगे, बहुत मेहनत लग रही है हर तरह से शूट करने को। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ये सब आपके लिए ही बना रहा हूँ। तो अभी क्या क्या, एक हमने जेली कैन भी ले लिया है 5 लीटर का, ताकि 160 किलोमीटर जाना है और आना है, पेट्रोल पंप पड़े या ना पड़े, कैश भी हम और निकाल देंगे कि कोई इशू ना हो बीच में। तो चलो बाइक निकालते हैं, हमने स्ट्रेट सीधे यहाँ पे आ गए थे 7:30 बजे, 8:30 बज गए, 1 घंटे में हमने बाइक रेंटल करके, बाइक की कॉस्ट बताएं तो मुझे 1800 रुपीज़ में पड़ा है ये बाइक, 2 दिन के लिए लिया है तो 3600, एडवांस मैंने 2000 किया है, जो पासिंग वो चाहिए रहेगा रिसिप्ट, वो बाइक का रेंटल का मिलेगा और यहाँ से मिलेगा, चेक पोस्ट पे आपको रोका जाएगा। तो बाइक के लिए यहाँ पेपर्स हो गए हैं, बस एक और चीज़ है वो है जो एक गेट पास रहता है वो बनवाने का, तो वो आपको बताता हूँ, बाकी बाइक तो रेडी हो गई है, तो लेट्स हॉप इन। ऑल गाइस तो फाइनली बाइक लेके अब हम निकल चुके हैं, सबसे मेन काम था कि यहाँ का पासिंग लेना। भाई लद्दाख में आप घूम रहे हो, अब आपको जो जो जगह जाना है तो वहाँ का गेट पास रहता है, गेट पास या बोल दें जहाँ जहाँ जाने का, तो यहाँ की एक वेबसाइट है लद्दाख की गवर्नमेंट की, और वहाँ आपको अप्लाई करना रहेगा 2 दिन पहले ही, आपको यहाँ आने से 2 दिन पहले ही अप्लाई कर दो। जैसे कि मैं बेवकूफ़, मैंने ये करके नहीं आया, ना कोई यूट्यूब वीडियो देखा, मैं आ गया तब मुझे पता चला कि ये ऐसा भी करना है, फिर भी एक जुगाड़ हो गया कि हम 2 दिन पहले की एंट्री डाल दिए थे कि हम तब चल रहे हैं, तो 2 दिन पहले की बैक डेट डाल के अभी मैंने पास में एंट्री कर दी है। मैंने 2 जगह जाना है, एक मुझे माहे जाना है और एक आया हूँ तो खारदुंगला जाना है, तो हमारे पास 2 ही दिन है, तो ये दोनों का गेट पास कर दिया है मैंने, तो उसका मुझे लगा है कॉस्ट 480 रुपीज़। बाइक हमारी रेडी है, सारा इक्विपमेंट रेडी है, तो 480 रुपीज़ में अब हम ये जगह घूमेंगे, और बाकी सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेंगी। अगर ये पार्ट 1 एपिसोड 1 आपको देखने में मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी क्या, बाकी सब बढ़िया है, नेक्स्ट वीडियो में तो धमाका होगा। सो दिस इज मी कार्तिक विशाल साइनिंग ऑफ।